आकाश सक्सेना को मिला आजम खान का गढ़ जीतने का इनाम। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर वालों को दिया पहला बड़ा तोहफा। जीत के बाद पहली बार आकाश सक्सेना ने की योगी से मुलाकात। पहली मुलाकात में ही रामपुर वालों के लिए लाए बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला, जो कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ हुआ करता था, जहां का एक एक पत्ता आजम खान की इजाजत के बगैर नहीं हिलता था, उस रामपुर जिले में आजम खान की आज वो हालत हो गई है कि जनता जनार्दन भी उन्हें नकारने लगी है। तभी तो जिस रामपुर में कभी कोई हिंदू विधायक नहीं जीता, उस रामपुर में पहली बार जनता ने आकाश सक्सेना को जिता दिया। और उनकी ये जीत कितनी बड़ी थी, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात जीतने के बाद दिए गए अपने भाषण में रामपुर की जीत का जिक्र किया था। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। आजम खान का गढ़ रामपुर जीत कर इतिहास रचने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पहली बार बुधवार को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ में मुलाकात की। और इस पहली मुलाकात में ही विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम योगी के सामने रामपुर की जनता की ओर से बड़ी डिमांड रख दी, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा करने में जरा भी देरी नहीं की, क्योंकि रामपुर की जनता ने पहली बार बीजेपी को जिताकर इतिहास रचा है। ऐसे में सीएम योगी ने भी पहली मुलाकात में ही रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना को बड़ा तोहफा दे दिया। दरअसल 3 साल पहले रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार ने रामगंगा और रझेड़ा नदी पर पुल बनवाने का प्रस्ताव बनाकर योगी सरकार को भेजा था, और रामपुर की जनता की समस्या को समझते हुए योगी सरकार ने भी पुल निर्माण को मंजूरी दे दी थी। लेकिन तब से लेकर आज तक आंजनेय कुमार डीएम पद से मंडलायुक्त के पद तक पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद रामगंगा और रझेड़ा नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका। यही वजह है कि रामपुर जीतने के बाद सीएम योगी से पहली मुलाकात में ही बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामगंगा और रझेड़ा नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा उठा दिया, और सीएम योगी भी उनकी बात को झट से मान गए। उन्होंने रामपुर की जनता को सहूलियत के लिए तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को पुल निर्माण के निर्देश दे दिए। इस बारे में खुद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पुल का निर्माण सेतु निगम जल्द शुरू कराएगा। पुल बनने से शाहबाद सैफनी इलाके के लोगों को आने जाने में आसानी होगी और विकास के रास्ते भी खुलेंगे। भैया नगला इलाके में पुल न होने की वजह से सैफनी क्षेत्र के लोगों को रामपुर आने जाने के लिए करीब 15 से 20 किलोमीटर ज्यादा सफर तय करना पड़ता था। पुल बन जाने के बाद सैफनी इलाके के गांव सीधे तौर पर जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। साथ ही रामपुर और आसपास के लोगों के लिए भी बिलारी जाना आसान हो जाएगा जिससे बिलारी, चंदौसी और अलीगढ़ जाने के लिए भी दूरी कम हो जाएगी। रामपुर में जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी से पहली मुलाकात में ही बड़ा रिटर्न गिफ्ट हासिल करने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने एक ट्वीट में कहा, चुनाव में विजय के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रामपुर को समृद्ध बनाने के लिए बंद उद्योगों को खोलने, शहर को उद्योग नगरी बनाने जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई। द मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर जिले में प्रस्तावित भैया नगला पुल निर्माण के लिए 3 साल पहले ही योगी सरकार ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। पुल निर्माण की कवायद जमीनी स्तर पर नहीं आ सकी और फाइलें इस दफ्तर से उस दफ्तर तक घूमती रही। लेकिन अब पुल निर्माण में और देरी नहीं होगी, क्योंकि आकाश सक्सेना ने रामपुर से विधायक बनते ही सबसे पहले इसी मुद्दे को सीएम योगी के सामने उठाया, जिसके बाद सीएम योगी ने भी अफसरों को जल्द पुल निर्माण शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल जिस तरह से आजम खान का गढ़ रामपुर जीतते ही बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जिले के विकास के लिए राजधानी लखनऊ तक भागदौड़ शुरू कर दी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने रामपुर में हुए उपचुनाव के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं, तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों,
पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आखिर क्या कारण है? रामपुर जिसकी अपनी एक पहचान थी, कभी राम गांव के नाम पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, अत्यंत उर्वरा भूमि, देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने वाले, और कभी रामपुर के माध्यम से यहां के कारीगर, यहां के हस्तशिल्पियों के द्वारा, चाहे वह रामपुरी चाकू हो और चाहे वायलिन के माध्यम से, जरी जरदोजी के माध्यम से रामपुर को एक पहचान दिला करके वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य हो। कौन वे लोग थे जिन्होंने रामपुर की इस पहचान को समाप्त किया? एक एक करके उसे इस पहचान से वंचित किया गया और रामपुर को चंद चेहरों के, अवसरवादी चेहरों के घरोदे में घिर करके अपने आप में तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। आपने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को कार्य करते हुए देखा है और विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्य करते हुए देखा है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शासन की योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया है। हमने तो 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी थी सबका साथ सबका विकास का। भाइयों बहनों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है?